सीएम योगी ने गोरखपुर में जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने जनता के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। पीएम मोदी के आने से देश का विकास तेजी से हो रहा है। यानी देश के अंदर हर जागरूक मतदाता एक ही बात कह रहा है कि फिर एक बार मोदी, ये मोदी सरकार की आवाज तो देश के अंदर आ रही है, अचानक नहीं आ रही है। इसके लिए मोदी जी ने प्रयास किया, लगातार परिश्रम किया। देश के अंदर हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा। उसका परिणाम है गरीब को मकान मिला है, गरीब को शौचालय मिला है, गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिला है, गरीब को विद्युत का कनेक्शन मिला है, गरीब को राशन कार्ड मिला है, गरीब को पेंशन मिल रही है। आज आपने देखा होगा हमारी सरकार आई, हमने सबसे पहला काम क्या किया, किसानों का कर्ज माफ किया। बुरावार में भी हुआ होगा किसानों का कर्ज माफ, तमाम किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। हमने दूसरा काम क्या किया, अवैध बूचड़खानों को बंद करवा करके हम लोगों ने बहन बेटियों की रक्षा के लिए एंटी रोमो स्क्वाड गठित किया। हमने तीसरा काम क्या किया कि सरकारी संरक्षण में जिन लोगों ने बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा किया था उसे कब्जा से मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया। सपा और बसपा की सरकार में एक क्विंटल गेहूं का दाम 800-900 रुपया नहीं मिल पाता था। हमारी सरकार आई, आज आप जाइए किसी भी क्रय केंद्र पर गेहूं तुलवाइए, एक क्विंटल गेहूं की पर्ची तोड़ने पर पर्ची मिलेगी 48 घंटे के अंदर 1860 रुपए।